हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है गोल्डन रिट्रीवर डॉग। इस वीडियो को हम टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट जनरल अपीयरेंस, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन है स्कॉटलैंड से। इस डॉग ब्रीड को क्रिएट करा था ट्वेड मोथ ने एक आइडियल गन डॉग बनाने के लिए, और वो एक चाहते थे ऐसा डॉग जो क्लाइमेट, ये जो रेनी क्लाइमेट होता है उसको सूट कर सके, सूटेबल हो जिसको। तो उन्होंने अपने येलो टेरियर को मिक्स कराया था आयरिश शेटर के साथ, और जो ब्लड हाउंड है उसके साथ मिक्स करा के इस डॉग को क्रिएट करा था, जिसका नाम है गोल्डन रिट्रीवर। ये डॉग ब्रिटेन में कब पॉपुलर हुआ, कब पता चला ये डॉग ब्रीड है, वहां पे एक डॉग शो के अंदर 1908 में डॉग शो हुआ था, तब इस डॉग को वहां पे लाया गया था और फिर दिखाया था कि ये एक ब्रीड है। अमेरिका के अंदर ये पॉपुलर 1970s के बाद से हुआ, और उसके बाद इसका ग्राफ पॉपुलैरिटी का बढ़ता ही गया है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है जनरल अपीयरेंस। फर्स्ट पॉइंट इसका है ये मीडियम साइज डॉग ब्रीड है। इसकी मस्कुलर बॉडी होती है, इसका जो कोट होता है वो डेंस और शाइनी कोट होता है इसका। इसका जो माउथ होता है वो हेड होता है वो ब्रॉड होता है। इसकी मजल होती है वो लंबी होती है, मतलब स्ट्रेट मजल होती है इसकी। अब मैं बताता हूँ, इसके जो ईयर्स होते हैं ना, वो इसके ईयर्स होते हैं शॉर्ट ईयर्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो टेल होती है वो फेदरी टेल होती है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। हाइट होती है मेल की 23 से 24 इंचेस के बीच में, और फीमेल की होती है 21 से 22 इंचेस के बीच में। वेट बताता हूँ मैं, मेल का 29 से 34 केजीज के बीच में होता है, और फीमेल का होता है 24 से 29 केजीज के बीच में। अब लास्ट पॉइंट लाइफ स्पैन के ऊपर बात करते हैं। ये डॉग आपके साथ अगर आप इसे रखोगे तो ये 10 से 12 ईयर्स तक इसकी लाइफ स्पैन है, तो ये आपका बहुत बढ़िया दोस्त बन के रहेगा आपके साथ। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इसकी एक्सरसाइज पे बात करते हैं। इसको कम से कम 20 से 30 मिनट ट्वाइस अ डे आप एक्सरसाइज कराओगे तो इसके लिए इनफ है। उसके अंदर डेली वॉकिंग इंक्लूडेड है। डेली वॉकिंग इसको पसंद भी है डॉग को, अपने मालिक के साथ वॉक पे जाना। इससे मालिक और पेट के अंदर जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। अब बात करते हैं इसकी ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग इसका डेंस और लॉन्ग कोट होता है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप डेली ब्रश करें इसे, और मंथ में 2 से 3 बार इसको बेदिंग कराए तो अच्छा रहेगा इसके कोट के लिए, अच्छा हेल्दी कोट मेंटेन रहेगा इसका। इसकी डाइट बताता हूँ मैं, इसको नॉर्मल डाइट चाहिए, पर इसको हाई प्रोटीन रिच डाइट चाहिए और कैल्शियम रिच डाइट चाहिए, ताकि इसका जो इसका कोट होता है वो डेंस, मतलब डेंस रहे और शाइनी रहे, मेंटेन रहे। अब बात करते हैं इसके टेम्परामेंट की। इसका टेम्परामेंट है फ्रेंडली, इंटेलिजेंट एंड डिवोटेड टू आर ओनर्स, और जो इसकी फैमिली मेंबर्स है उसके ऊपर डिवोटेड है ये लोग। इसकी मैं एक बात बताता हूँ, ये बेस्ट फैमिली डॉग है। लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेफर इसी डॉग को करते हैं एज अ बेस्ट फैमिली डॉग। वॉच डॉग इतना अच्छा नहीं है ये। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है प्राइस। इस डॉग ब्रीड का प्राइस 15,000 से 45,000 के बीच में आपको मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, और ये प्राइस इसकी क्वालिटी के हिसाब से होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए।